ये बूंदी जो रायते वाली बूंदी होती है ना, इसी की सब्जी बनाई है मैंने। सामने दिख रहा है पेड़ कैसे झुक गया पूरा ना, तो इतना तेज तूफान तो हो रहा है सब। गाइज हमने ना घर में दिए जला रखे हैं, देखो अब 10 बजने वाले हैं और अब जाके मतलब कल सुबह की भागी हुई लाइट अब आई है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेरी गुड मॉर्निंग, कुछ और बोलने वाली थी। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? हम लोग तो बहुत अच्छे हैं। और अभी टाइम हो रहा है 11:30। आज हमें थोड़ा फिर से लेट हो गया नाश्ता करने में भी और लंच करने में भी, तो हमने नाश्ता और लंच एक साथ ही बना लिया और खा रहे हैं। तो आई थिंक उसे ब्रंच बोलते हैं ना, शायद वही बोलते हैं, अगर मैं गलत हूँ तो बता देना मुझे, ठीक है। तो अभी मैंने आज बनाई है बूंदी की सब्जी, रोटी, चाय और नमकीन वगैरह। तो पतिदेव पहली बार खाएंगे बूंदी की सब्जी। मैं तो खाती थी अपने घर पे, क्या पता काफ़ी लोगों को पता भी ना हो कि कैसे बनती है। तो सिंपल सा कुछ नहीं है उसमें ज़्यादा। तो अभी टेस्ट करने वाले हैं, तो मैं सोचा कि रिकॉर्ड भी कर लेती हूँ, दिखाती हूँ आपको कि क्या कहेंगे ये बूंदी की सब्जी खा के, ठीक है। तो गाइस ये बूंदी जो रायते वाली बूंदी होती है ना, इसी की सब्जी बनाई है मैंने, और रोटी है साथ में, चाय रखी है, वो नमकीन बिस्किट ये रहे, और हमारी कुकू वो रही शेना, नहा धो के बिल्कुल रेडी है। हाँ क्या हुआ था, क्या कहना है आपको? तो गाइस ये खाने वाले हैं, अभी ये ऐसे करते हैं रोटी जब खाते हैं तो। ये गई पहली बाइट। नमक ठीक है, आप सब्जी ऐसी खा के देखो, रोटी के साथ मत खाओ। पता नहीं लाइट इतनी क्यों भगाने लगे हैं। टेस्टी, चलो इन्हें पसंद आ गई। चलो गाइस अभी हम खाना खा लेते हैं, उसके बाद मिलेंगे आपको। और ये अपनी मस्ती करती रहती है, इसे रोटी का टुकड़ा दिया है, पर ये देखो देख देखो देखो इसे देखो, कुकुनो रोटी है बेटा, अन्न है, ऐसे करते हैं अन्न के साथ। चल तू इससे खेल ले। नहीं खा रही है वो, खा ही नहीं रही है। ये खाना है, गाठिया खानी है, गाठिया। चलो गाइज बाद में मिलेंगे। गाइज देखो आशीष ना थोड़ी देर रेस्ट कर रहे थे, अब जब भी इसको दिखता है ना कि पापा रेस्ट कर रहे हैं, मम्मी रेस्ट कर रही है, तो ऐसे ही चढ़ जाएगी छाती पे। देखो क्या कर रहे हो पापा के साथ, आराम नहीं करने दोगे उनको? ड्यूटी है ना उनकी। देखो वैसे खेलेगी नहीं ये जब खिलाते हैं, तो अब जब सो रहे हैं तो सब चीज़ चाहिए, पूरी अटेंशन चाहिए इस लड़की को। कुकू नो बेटी, सोने दो पापा को, सोने नहीं देगी अभी ये। देख फिर खड़े होके जाएगी। उससे खड़ा नहीं हो जा रहा। लो कुकु बेटा पापा की चाटा मारा है, उठा रही है, ओले मेरा बेटा उठा रहा है भाई कि पापा खेल लो मेरे साथ, मैं बोर हो गया। आप बोर हो गए गाइस? बाहर ना बहुत तेज बारिश हो रही है और लाइट भी नहीं है, हम लोग गर्मी तो इतनी नहीं हो रही है, फिर भी पंखा चल जाता है तो ठीक लगता है। अब आशीष को इस वजह से नींद भी नहीं आ रही है, अब देखो मेरे पास आ जाएगी। यस
नहीं खिलाया पापा ने? आपने बहुत कोशिश करी थी उठाने की पर पापा उठिए नहीं। ये पापा कर रहे हैं, अब कर रहे हैं पापा शैतानी। आप सोने नहीं दिया ना पापा को? पापा ने गिराया, मैंने नहीं गिराया था बेटी, मेरे को मत देखो ऐसे। पापा खुद ना शैतानी करके और मेरे पे नाम लगा दिया। मैंने नहीं गिराया था बेटी, पापा ने गिराया था। ये कुछ कहना चाहती है आपसे गाइस? हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हो? बहुत सारा प्यार क्यों नहीं कर रहे मुझे? क्या था सबसे? ये क्या होता है? अच्छा कैसे ये आप ये बिना दांत वाले जो बुड्ढे होते हैं ना, उनकी तरह क्यों कर ले हो ऐसे? कह दो मम्मा मेरे भी तो दांत नहीं है अभी, मैं भी तो छोटा बच्चा हूँ अभी। देखो ये उड़ गए ना, अभी छेड़ रहे थे इसको तो फिर जा रही है उनके पास। गाइज आज मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई क्योंकि आज सुबह से ना लाइट नहीं आ रही 11 बजे से, तो ब्लॉग तो नहीं डाल पाई मैं। अपलोडिंग पे लगाया था मैंने, लेकिन फ़ोन के कनेक्शन भी इतना, मतलब नेट भी ना इतना अच्छा नहीं चल रहा था, तो इस वजह से वो अपलोड ही नहीं हो पाया। और अभी भी पता नहीं लाइट कब तक आएगी। अभी फ़ोन भी डिस्चार्ज हो गया था, तो सामने वाली भाभी से मैंने चार्ज करवाया फ़ोन भी, तो थोड़ी बहुत ब्लॉगिंग हो पाएगी। अदरवाइज़ तो मौसम देख रहे हो आप ऊपर कितना हो रहा है, ये आपको फ़ोन में लग रहा है थोड़ा सा लाइटिंग सा, लेकिन हो नहीं रहा है इस टाइम पे ना, इतना ख़राब हो रहा है ना मौसम, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो अभी बस लाइट का वेट हो रहा है, थोड़ी देर हम बाहर ही घूम रहे थे बैठे थे, उसके बाद लाइट आएगी तो ठीक है, वरना तो ठीक है गर्मी, वरना तो फिर अंदर जाएंगे। या मैंने अंदर जला रखा है और फिर अपना वही खाना वाना खा के सो जाएंगे और क्या करेंगे, है ना। तूफ़ान बहुत ज़्यादा तो नहीं आ रहा है, कभी कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी कभी धीरे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। दिखाती हूँ अभी, रुको। सामने दिख रहा है पेड़ कैसे झुक गया पूरा ना, तो इतना तेज़ तूफान तो हो रहा है, सब कुछ उड़ा उड़ा जा रहा है। देखो सामने से हवा आ रही है पूरी तेज़ से, और ऊपर आसमान देखो, ये पता नहीं क्यों फ़ोन में रोशनी दिख रही है, लेकिन बादल इतने ज़्यादा हो रहे हैं ना, काला काला हो रहा है सब कुछ, अंधेरा हो चुका है। और मुझे लग रहा है पतिदेव ये रे, और 7:30 से ऊपर का टाइम हो रहा है वही, तो बारिश भी कभी भी आ सकती है। थोड़ी देर पहले तो पड़ी थी, थोड़ा थोड़ा गीला हो गया है, लेकिन अभी फिर दोबारा से आ सकती है। अभी तो हम बाहर घूम रहे हैं, उसके बाद देखते हैं वही अंदर जाएंगे। आज मुझे बड़ा अफसोस सा हो रहा है, मैंने ब्लॉग नहीं डाला ना, तो ऐसा लग रहा है मैंने क्या कोई चीज़ अधूरी सी रह गई हो, काम पूरा नहीं किया मैंने, तो सारी चीज़ हो चुकी थी उसमें, अपलोडिंग ही रह गई थी वीडियो की, थंबनेल वगैरह सेट करना जो भी होता है हमारा वो सब कर दिया था मैंने, पर वो अपलोडिंग ही रह गई वीडियो की। नेट फ़ोन के नेट से भी नहीं हो रही है, उसके लिए वाईफाई भी चाहिए, अब वाईफाई चल नहीं सकता कोई लाइट। हाँ जी बैठ गई मम्मा, तो आपको दिक्कत होती है ना। और इस लड़की को देखो, ये घूमने की शौकीन हो गई, घूमने की शौकीन, अभी वैसे घुमा रही थी तो पत्थर को शांत थी। तो गाइस आप पेड़ देख रहे हो, पेड़ कैसे झूम रहा है, ये तो मतलब कि ये अभी यहाँ आगे ना अभी हल्की हवा है, जब देखते हो ना तो पेड़ ना पूरा झुक जाता है, और इधर से तो ठीक है, वो देखो वो कैसे झूम रहा है, ये अशोक का पेड़ है। और यहाँ पे आज हम ज़्यादा परेशान ही हैं, पूरा दिन हो गया लाइट आई नहीं, हमारी कुकू भी बार बार नींद लेती है,
फिर उठ जाते, क्योंकि आज ना घर के अंदर तो गर्मी हो रही है। गाइस हमने ना घर में दिए जला रखे हैं देखो, और अभी फ्लैश लाइट जलाई मैंने, तो मैं कुकू को दिखा रही थी क्योंकि ना ये खुद से वहाँ चलते चलते अपने पापा के पास गई है, वो दिए के पास बैठ के ना एक बुक पढ़ रहे हैं। हाँ ऊपर कैसे चढ़ूँ, तो वही दिखाने के लिए मैं ओए गिर गई। कोई नहीं, गिरेगा फिर उठेगा, गिरेगा फिर उठेगा, फिर जाओ गिरेगा, पापा फिर पास जाओ पापा पास। लेकिन एक दिन तो चल के फिर दोबारा ऊपर चलेगा। तो गाइस मैं भी एक किताब पढ़ रहा हूँ, किताब का नाम है मुसाफिर कैफे, और इसमें कुछ लाइन लिखी है तो शायद मैं आपको भी शेयर कर दूँ। इसमें एक लाइन लिखी है कि जब कोई भी व्यक्ति जो है गुस्सा आ जाता है, मतलब कि गुस्से से पड़ जाता है, तो उसे दुनिया को झेलना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इसमें फिर ये कहा गया है कि आदमी को जब गुस्सा आएगा या औरत को, मतलब कोई भी बंदा हो, ये सेक्स वाली बात है कि किसी को भी अगर गुस्सा आएगा तो वो जो है पूरे संसार को या जो भी परिस्थितियों को झेलना बड़ा भारी है। लेकिन जब उससे ज़्यादा गुस्सा आता है तो उसे अपने आप को झेलना भी बड़ा भारी पड़ता है। इट मीन्स कि नॉर्मल गुस्सा वो मैटर नहीं करता, लेकिन जो ज़्यादा गुस्सा है जितना हम अपने आप को नहीं झेल पा रहे, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये अपने आप का गुस्सा एक ही टाइम पे शांत हो सकता है जब आपको एक सही राह मिलती है। सही राह ढूंढने के लिए आप देखते रहें सुनते रहें, मेरे को जो ठीक लगेगा फिर वो आप बता दूँगा। तो आज का मेरा एक साथी है, ये मेरा दिया, क्योंकि ये मेरे को आज पढ़ने के लिए वो कर रहा है प्रोत्साहित, साथी वो मेरा साथी है। क्योंकि वो नहीं पूछेगा मैं भी नहीं पूछूंगा। तो गाइस ये कुको भी चढ़ने वाली थी लेकिन अब उसे समझ ही नहीं आया कि अब कैसे कदम रखूँ आगे, तो अब ऐसे बैठ गई है। चलो गाइस मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, शायद मैं आगे ब्लॉग ना बना पाऊँ क्योंकि फ़ोन की भी बैटरी लो हो जाए क्या पता, तो इसलिए अभी तो नहीं ब्लॉग को एंड नहीं कर रही हूँ, अभी पहले खाना वाना बना लेती हूँ, उसके बाद बात करते हैं थोड़ी सी और, ठीक है। और कुकू को देखो, ए कुकी इसकी बिंदी अभी तक हटी नहीं है। गाइस ब्लॉग नहीं डाल पाई मैं, बड़ा बुरा लग रहा है। हेलो गाइस गुड इवनिंग, तो अभी हम जो बताने वाले में नहीं है, अब टाइम हो चुका है मतलब कि अब 10 बजने वाले हैं, और अब जाके मतलब कल सुबह की भागी हुई लाइट अब आई है, तो इस चक्कर में कोई ब्लॉग भी नहीं डला है। और आप देख भी रहे होंगे मतलब कल से लेकर और अभी तक ना रेगुलर बारिश हो रही थी, मैक्सिमम लोगों का नुकसान भी हुआ, कुछ कुछ जो है कि जिनकी छतें मतलब कुछ लूज आइटम था वो उड़ा है, हमारा भी उड़ गया। तो हमारे घर के ऊपर एक लाइट थी जो जैसे मेन गेट के ऊपर होती ना, वो दिखा दूंगा मैं, तो उसके ऊपर का कुछ उड़ गया है आइटम, तो वो भी चला गया। वो ढूंढा भी था लेकिन वो मिल नहीं पाया, हमने शाम को काफ़ी ढूंढा था। और ये देखो ये कुकू, ये ना इस लड़की ने ना हमें कल से परेशान करके रखा है, क्यों, क्योंकि घर में लाइट है नहीं, अंधेरा हो रखा है, और दिए के चक्कर में ना ये सोच रही कि आज घर में हो क्या गया। देखो 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 शैतानी करे जाएगी। कौन कर रहा है शैतानी, कौन कर रहा है नहीं बताओगे सबको। हेलो कर दो, बैठ जाओ पहले, पहले बैठ जाओ बेटे, पहले बैठते हैं, अब सब देखेंगे। कुकु रो रही है, कौन है यार। गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप सभी? दो दिन से ब्लॉग नहीं डल पाया क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी, तो हम लोग तो ठीक ही थे वैसे, बस थोड़ा सा मौसम ही यहाँ का खराब हो रहा था। अभी बस खाना बनाया मैंने, अभी खाएंगे उसके बाद सो जाएंगे क्योंकि अब लाइट का कोई भरोसा नहीं है। हालांकि मैंने वॉशिंग मशीन लगा रखी है क्योंकि ये दो दिन के कपड़े नहीं धुले थे। कुकू का थोड़ा सा मतलब ये ना कि अभी थोड़ी बड़ी हो रही है तो स्मेल भी आने लगी है उसके टॉयलेट वगैरह में, तो कपड़े सिले सिले से हो रहे थे, तो मैं उसमें धो ही देती हूँ, अभी रात को सूख जाएंगे अंदर डाल दूँगी। तो गाइज़ अभी तो यही था, ठीक है। और कल के ब्लॉग की एंडिंग भी नहीं करी थी हमने, तो आज तो मैंने कुछ शूट नहीं करा, तो बस यही है एंडिंग, ठीक है, इसे ही समझ लेना क्योंकि कल से तो कल रात को बनाया थोड़ी देर बनाया था, उसके बाद हमने उसकी एंडिंग करना भूल गए थे, सो गए थे, खूब परेशान कर रही थी मैं, नहीं बात करते हैं, ठीक है। हेलो गाइस गुड मॉर्निंग,
और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? हम लोग ठीक ठाक हैं। मतलब जितना बताया गया था कि गुजरात में साइक्लोन आएगा तो उतना आया, लेकिन अपने एरिया में नहीं आया इतना। पर दो दिन तक पूरा लाइट नहीं आई, जैसे कि आशीष ने आपको बताया, और दो दिन तक मैं ब्लॉग भी डाल पाई। आज मैंने सुबह ही लाइट आई थी और नेट का प्रॉब्लम था, तो मैंने 10:30 बजे करीब वीडियो डाली, अपलोड करी। तो वो जो वीडियो है वो आई थिंक 14 या 15 की है, शूट की हुई। और आज है 17 तारीख, तो अब जो आपको वीडियो मिलेगी ये 3 दिन की साथ में मिलेगी। तो आज भी मैं शूट नहीं करूँगी शायद, क्योंकि ब्लॉग ये वाला भी कल आएगा आपके पास। तो बस इतना ही था कि हम लोग ठीक तो हैं, सब कुछ अच्छा है। और दो दिन तक पूरा परेशान रहे हम लोग, बहुत ज़्यादा गर्मी तो नहीं थी इतनी, लेकिन फिर भी लाइट के वजह से, ना होने की वजह से हम लोग थोड़ा घर घर में ही बंद रहे। और बारिश इतनी तेज़ रही, कल तो इतनी ज़्यादा बारिश रही है, सुबह आई थिंक 6 बजे करीब स्टार्ट हुई होगी और सीधा शाम को जाके, शाम भी नहीं 9 बजे होंगे, 9 बजे करीब बारिश रुक गई है। तो 12 घंटे से भी ऊपर का टाइम हो गया था जब बारिश लगातार पड़ती रही। हमें लगा कि पता नहीं कैसे सब कुछ सेफ वगैरह, मतलब सब आसपास के एरिया सेफ हैं कि नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, अभी इतना नुकसान भी नहीं हुआ। थोड़ी बहुत चीज़ों का नुकसान हो ही जाता है, वो तो जब मौसम चेंज होता तो होता ही है। वो सब कुछ हुआ उसके बाद तो अब सब कुछ ठीक है, सब अच्छे हैं। ठीक है, आज मॉर्निंग जैसे 17 तारीख है आज, तो आज भी लाइट भाग गई 11 बजे करीब। हाँ, 11 बजे लाइट चली गई थी, फिर से वही सेम वाला कि आई थिंक 15 तारीख को 11 बजे सुबह भाग गई थी लाइट, और कल तक मतलब 16 तारीख तक नहीं आई थी। आज मॉर्निंग में दी उन्होंने तो फिर दोबारा से काट ली। अब 11 बजे भागी, पता नहीं पूरा दिन आएगी या नहीं आएगी, पर एक चीज़ अच्छी है कि बारिश नहीं हो रही है। तो बस अभी अब हो सकता है, क्योंकि फ़ोन भी बैटरी लो हो गई, चार्ज किया था वो लो हो गई बैटरी, अब चार्ज भी नहीं हो सकता क्योंकि लाइट नहीं आ रही है, तो ब्लॉग भी शूट नहीं कर पाऊँगी। तो अभी ये सिर्फ छोटी सी क्लिप मैं ऐड कर रही हूँ इसमें कि बताने के लिए कि हम सब ठीक है, ठीक है, सब कुछ अच्छा है। और कल से आपको डेली ब्लॉग मिल जाएंगे, अगर सब कुछ ठीक रहा, लाइट वाइट का, वाईफाई वगैरह का कोई इशू नहीं रहा, तो ब्लॉग आपको मिल जाएंगे। ठीक है गाइस, आप सब अपने अपने घरों में सेफ रहिए, ध्यान रखिए अपना, क्योंकि अभी और एरिया में भी हाई अलर्ट दे रखा है कि शायद साइक्लोन आ सकता है। तो बस इतना ही है कि आप लोग सब सेफ रहिए। ओके गाइस, बाय, आप लोग सब अपना ध्यान रखिए। ठीक है, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, बाय बाय।